मैंने शेव करने की सोची थी, ओपरो था वो नाटक करने लग गया है। सो दिस मंथ वॉज क्वाइट बिट स्ट्रेसफुल एंड मंथ नहीं बोल सकता, स्पेशली ये जो वीक था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए बट फिलहाल मैं बता नहीं सकता। एज यू कैन सी मैंने शेव करने की सोची थी बट मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी कि आई कैन शेव माई मोस्ट एस ऑफ एंड कीप इट क्लीन, ठीक है। इसलिए हाँ, आज का दिन बाय द वे बहुत मैंने प्लान किया था अच्छा खासा, बट अगर आपको पता ही होगा तो मैं जैसे प्लान करता हूँ वैसे होता ही नहीं है। पता नहीं ज़िंदगी को क्या प्रॉब्लम है मेरे से, बट कोई नहीं। एक्चुअली जिम को जाने का प्लान शाम को था, कॉलेज में ट्रेडिशनल डे है सो पहले वहाँ जाने का प्लान था एंड देन उसके बाद फिर वर्कआउट के लिए जाने का प्लान था। सो प्रथमेश दहीवाड़े करके एक फ्रेंड है मेरा, सो आई विल बी ट्रेनिंग विद हिम इन हिज जिम एंड आज हम लोग बैक सेशन करने वाले। सो हाँ, मज़ा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडेज वर्कआउट, ऑल्दो मैंने अभी जस्ट लंच किया है एंड आई एम नॉट फीलिंग दैट रेडी, बट मैंने कॉफ़ी भी ले लिया है, ट्राई स्कूप ले लिया है कॉफ़ी का। सो देखते हैं अभी वो किक इन होता है कि नहीं एंड वर्कआउट अच्छे से होता है कि नहीं। कॉलेज में भी ट्रेडिशनल डे का शूट करने का प्लान था, प्लान है फिलहाल भी, बट वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है कुछ भी, सो आई कैन टेक दिस कैमरा एंड शूट। सो देखना पड़ेगा वो भी क्या है, बट फिलहाल आई हैव टू रश क्योंकि मेरे को कॉलेज को 3:30 बजे तक पहुँचना है, ऑल दो 4 बजे तक एंट्री है, बट आई सीरियसली डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टुडेज डे इज़ गोइंग टू बी। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, निकलते हैं जल्दी से। बाय द वे अपना एरन एकदम चकाचक लग रहा है, इसको बाय द वे मैंने परसों ही एकदम अच्छी तरीके से धोया है, एकदम 2 घंटे लगाए हैंड फुल पॉलिशिंग वगैरह कर दिया है उसको, एकदम ऐसा शाइन कर रहा है एकदम ऐसा तगड़ा वाला। सो हाँ भाई, जो एरन को मिस कर रहे थे वो लोग देख लो। एंड और एक पंगा हो गया है, मेरा जो गोप्रो था वो नाटक करने लग गया है एंड चालू नहीं हो रहा, हैंग हो रहा है बार बार। सो मैंने गोप्रो में कंप्लेंट बताई है, कंप्लेंट किया है, सो जल्दी से उनका भी वो भी लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देखते हैं अभी। इसीलिए मैं फोटो ब्लॉग भी नहीं कर रहा था कुछ, ना कुछ शूट कर पा रहा था, बहुत सारे रीजन्स है। फिलहाल तो अभी निकल दे जिम को एंड वर्कआउट एंजॉय करो तुम लोग, मज़ा आएगा। ओला भाई, कितना ढूंढ ढूंढ के आना पड़ा है, फाइनल अभी गाड़ी तो लगा दी है एंड ऊपर मेरे को लगा नीचे रहेगा, मेरे को लगा नीचे रहेगा। ओके आया, क्या बोलते हैं सर, लॉन्ग टाइम नो सी, वेलकम टू मेनेंस जिम। यस यस डी एम बॉय, मज़ा आने वाला है। आते ही पहले मिरर देख लिया ताकि पोजिंग करने मिले, तो काफ़ी बड़ा है यार, मतलब एज कम्पेयर टू द न्यू पनवेल वाले बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है। मैंने एक बात अच्छी लगी कि मेरे को पहले मेरा नज़र गया वो डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जितने भी जिम्स है माई जो अपना न्यू पनवेल साइड में वहाँ पे डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सो आज क्या क्या वर्कआउट करना है, बैक बाइसेप्स डेड लिफ्ट्स। मेरे एक्चुअली मैं अभी जस्ट फ्राइड राइस खा के आया, मतलब घर पे ही बनाया। मेरा एक्चुअली प्लान था 3:30-4 बजे, मतलब मैं 3 बजे कॉलेज जाने वाला था एंड 3 से 6 बजे तक वो ट्रेडिशनल चलने वाला है प्रोग्राम, तो मेरा प्लान था कि उसके बाद फिर मैं 5 या 5:30 बजे आऊँगा, वर्कआउट करेंगे तभी कैसा एनर्जी भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगा पूरा दिन, शाम को एनर्जी रहता है वर्कआउट के लिए, सुबह नहीं होता, मैं सुबह 5:30 पर सुबह सुबह मिलता नहीं होगा, सुबह मैं जाता नहीं हूँ, तो कंडला दो सुबह आने के लिए, कंडला नहीं मैं उठना है, मेरे को जबरदस्ती उठना है मालूम है, मेरा कॉलेज 8 बजे निकलना पड़ता है घर से, 9 बजे कॉलेज जाना पड़ता है, खादापुर में कॉलेज।
फिर भी सही है तेरा। बाय द वे व्हाट इज योर एज? आई एम 18 18 18 इन ऑगस्ट में। और देख रहे हो अभी से मैं भी पहले चालू किया था पर किसी रीजन की वजह से छोड़ना पड़ा। मैं पहले बाद ही चालू किया था। आई वाज 16 व्हेन आई स्टार्टेड। हां जल्दी से चालू करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा से। Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. मी पण निघाल होते ना? अच्छा मी जेवलो आणि पहिले कॉफी घेतली। अरे मी जेवलो कारण की मला मी इडली खाल्लेली इडली हा आणि इडली भी मैंने ज्यादा नाही खाया था अराउंड 5 ही खाया था। पांच में क्या डेडलिफ्ट मारू मैं? 5 ही कम होता है मेरे लिए कम है। चलो Yeah.
नहीं बोल सकते मतलब बहुत जल्दी जितना हाँ जितना हो सका उतना कर दिया है। टाइम का शॉर्टेज था क्योंकि सडन टाइम बन गया ये टाइम पे आने के लिए। सो अच्छा ऐसे मतलब प्रॉपर जितना वर्कआउट करना था उतना कर नहीं पाया। डेडलिफ्ट लैट पुल डाउन्स और उसके बाद फिर डंबल रोज किए एंड देन फिर बाइसेप में भी हम लोगों ने पूरा लिया नहीं। बाइसेप भी हम लोगों ने मैंने खाली बाइसेप कर्ल्स और हैमर कर्ल्स लिए। वो भी हैमर कर्ल्स भी मैंने दो ही सेट मारे उसके बाद मैं ज़्यादा गया नहीं क्योंकि अभी आधा घंटा ही है मेरे पास। देखो आधे घंटे में घर जाना है फ्रेश होके फिर कॉलेज निकलना है। सो आई डोंट नो कैसे होगा पता नहीं। देखते अभी मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप में थोड़ा सा एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे सो मेरे को ऐसे थोड़ा सा मन बनाने के लिए मैं ऐसे सब कर रहा हूँ। सो या होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो उल्टाने सो होपफुली आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट भी सेक्शन है वो थोड़ा उसमें भी कमेंट किया करो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो या टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।